पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। यशोमती मैया के नंदलाला। तेरी आंखें देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं किसी शांत सागर में डूब रहा हूं, गहरे और गहरे। तेरी मुस्कुराहट तो ऐसी है जैसे प्रसन्नता की कोई लहर मेरी ओर बढ़ी चली आ रही है। और आभा, ये तो इतनी मनमोहक है कि मन कर रहा है स्वयं को नशावर कर दूं मैं तुझ पर। लो कर लो बात, मेरे प्राण लेने आए थे, अब स्वयं ही नशावर हो रहे हो। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? कैसे भूल गया मैं कि तू तो एक छलिया है। जैसे तूने सारे गोकुल वासियों को मोह रखा है, मुझे भी सम्मोहित करने चला था, किंतु मैं तुझसे सम्मोहित नहीं होऊंगा। जिस उद्देश्य के लिए मैं यहां आया हूं उसे पूर्ण करके ही रहूंगा। अच्छा जे बताओ भाभी, पहले हमें क्या करना चाहिए? बोलो ना, पहले हमें स्नान करना चाहिए या पहले हमें अमिया तोड़नी चाहिए? जेरा, ये तेरे पांव के पास पड़ा एक पत्थर। हाँ, जेरा, ये पत्थर तो बहुत बड़ा है। जानकी, इसी से जानकी ले। क्या होगा भाभी? कहाँ खो गई? भाभी क्या होगा? आप भी ध्यान दो ना, पेट में चूहे कूदे हैं। मुझे अचानक विचित्र सा लग रहा है, सब ठीक तो होगा ना? ये क्या कर रहे हैं आप? नीलमणि के पालने के पास क्यों आना पड़ा आपको? हमें पालने के पास क्यों आना? हाँ, वो नीलमणि की माला पालने में गिर गई थी, तो हमने सोचा वही पहना दे। ये देखिए ये माला लाइए, मैं पहना देती। हाँ पहनाइए। वैसे आपको क्या लगा कि हम बालक को कोई क्षति पहुंचाना चाहते हैं? अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम तो उसके नाना जैसे हैं। तभी तो यशोदा हमें इसके पास छोड़कर गई है, बहुत विश्वास करती है वो हम पर। नीलमणि के बारे में यशोदा किसी पे विश्वास नहीं करती। अच्छा पहनाइए पहनाइए। रुको, प्रभावती चाची, आप तो कह रही थी कि जशोदा भाभी का एक भी निशाना ना चूकता, पर आज तो एक भी ना लग रहा है। लगता है आज तो बिना आम खाए घर जाना पड़ेगा। पहली बार लल्ला से इतनी दूर आई हूँ ना, मन लौट लौट के उसी के पास जा रहा है। मुझे ना नीलमणि की चिंता हो रहा है, शायद इसीलिए निशाना ना लग रहा हूँ। अरे महाराज को छोड़ के आई हो ना तुम लल्ला के पास, और आते आते रोहिणी रानी को भी तो बोला है ना, कहा था कि नहीं? और नहीं तो क्या, इसलिए आप वहाँ की चिंता छोड़ो जशोदा जी, यहाँ ध्यान दो। जे बित्ते भर की छोरिया नाम में बट्टा लगा रही है। हाँ जी जी, लगाओ आम पे निशाना और दिखा दो कि नीलमणि की मैया हो। ये पत्थर चाहे भी ना तो अभी आपका निशाना चूक ना सके। हाँ जी जी,
वरना लल्ला के कहेगा कि मैया ऐसे ही वापस आ गई, एक काम भी ना ले पाई। तो जे बात है तो दो फिर पत्थर, दिखाती हूँ मैं भी कि नीलमणि की मैया क्या कर सकती है। जितना मन करे खाओ और पेट भरे तो लेट जाओ। कौन हंस रहा है? हाँ? बड़ा खिलखिला रहा है, प्राण बचेंगे नहीं तेरे। आपने मेरी मैया को प्रसन्न किया है, इसका फल आपको अवश्य दूंगा मैं। मुझे फल देने चला है तू? अरे दूंगा तो मैं तुझे, वो भी मृत्यु। इसका अर्थ है लल्ला के प्राण संकट में है और हमें उस षड्यंत्रकारी के बारे में कछु पतो ना है। भैया हमें लेख पत्र जांचने होंगे, यदि कोई बाहरी व्यक्ति गोकुल में आयो होगो तो उसके बारे में हमें सब लेखा जोखा पता चल जाएगा। तुमसे ही कह रहे हो नंद, मैं अभी प्रबंध करवाता हूँ। पता नहीं उन गुप्तचरों ने क्या बताया होगा, यदि नंद को मेरे बारे में कुछ भी पता चल गया तो। नहीं नहीं, समय रहते ही कार्य समाप्त करना होगा। धीरे कीजिए महाराज, नीलमणि भयभीत हो जाएगा। क्षमा करना बेटी, वृद्धावस्था में यदि पेट रिक्त रहे तो वायु विकार हो ही जाता है। यशोदा कह रही थी कि भोजन तैयार है, यदि तुम परोस दो तो ये वृद्ध भोजन कर लेगा और वायु विकार से मुक्ति मिल जाएगी। ताई जी आप जाइए, इन ढोंगी महाराज को भरपूर शांति दूंगा आज। अभी लाती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, सुखी रहो खुश रहो। कौन बचाएगा तुझे?